साल 2021 में कुल चार ग्रहण होंगे, जिसमें दो सूर्य ग्रहण तो दो चंद्र ग्रहण है। इस वर्ष का पहला खग्रास चंद्र ग्रहण बुधवार को होगा। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। साल 2021 का पहला खग्रास चंद्र ग्रहण बुधवार को होगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के मुताबिक इस खग्रास चंद्र ग्रहण का मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं होगा, न सूतक लगेगा और न ही मंदिरों के पट बंद होंगे। यह खग्रास चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका स्पर्श दोपहर 3:15 और मोक्ष शाम 6:23 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण वैशाखी पूर्णिमा बुधवार अनुराधा नक्षत्र व वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है। यह ग्रहण खंडग्रास रूप में पूर्वी भारत के कुछ प्रदेश में ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। इसका प्रभाव बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा व पूर्वी उड़ीसा में अधिक होगा। आपको बता दें कि साल 2021 का यह पहला उपछाया चंद्र ग्रहण है, जबकि दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा। वहीं पहला सूर्य ग्रहण 10 जून व दूसरा 4 सितंबर को होगा। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, उपछाया चंद्र ग्रहण, छाया की छाया। वर्ष में कुल चार ग्रहण होंगे, दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण। पहला चंद्र ग्रहण हो रहा है, वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा। दो सूर्य ग्रहण जून और सितंबर में होंगे। आज वैशाखी पूर्णिमा पर पहला चंद्र ग्रहण अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि और बुधवार को घटित हो रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण का स्पर्श दोपहर 3:13 पर होगा। वहीं इस ग्रहण का मध्य 4:50 पर होगा और मोक्ष शाम को 6:23 पर होगा। खग्रास चंद्र ग्रहण पूर्वी भारत में दिखाई देगा। बंगाल, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, पूर्वी उड़ीसा में यह ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जो दिखाई दे वह ग्रहण है। इंदौर और मध्य प्रदेश में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए न तो इसका सूतक लगेगा, न ही धर्मस्थलों के मंदिरों के पट बंद होंगे। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक की माने तो इसका विभिन्न राशियों पर मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि सर्वाधिक प्रभावित होगी, जबकि मेष, सिंह, कन्या, मकर हेतु यह शुभ है। वहीं वृषभ, मिथुन, तुला व वृश्चिक राशि के लिए अशुभ है। साथ ही कुंभ, मीन, धनु व कर्क राशियों पर मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आचार्य शर्मा के मुताबिक यह ग्रहण महंगाई बढ़ाने वाला, जनता में रोग भय, उपद्रव आदि तथा शराबियों की परेशानी बढ़ाने वाला होगा। ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में हो रहा है, तो सर्वाधिक प्रभाव इस ग्रहण का वृश्चिक राशि पर होगा। शेष राशियों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लिए यह ग्रहण शुभ प्रभावशाली रहेगा। वहीं वृषभ, मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्हें ग्रहण काल के अंदर अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करना चाहिए। कुंभ, मीन, धनु और कर्क राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव मिला जुला रहेगा। इस ग्रहण के राष्ट्र और विश्वव्यापी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। देश में महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा, रोग का भय जो है लोगों में ज़्यादा बढ़ेगा, वहीं उपद्रव की स्थिति भी निर्मित होगी। मूलतः यह ग्रहण शराबियों के लिए, जो लोग मदिरा पान करते हैं, उनके लिए कठिनाइयों भरा होगा। वैशाखी पूर्णिमा का पावन पर्व है, कूर्म जयंती भी है, इसलिए यह नक्षत्र जो है जप, तप
और दान के लिए अत्यंत शुभ प्रभावशाली रहेगा। चूंकि बुधवार को चंद्रमा होने से यह जो है कारण सुपर फ्लावर ब्लड मून की घटना भी घटित होगी। भारत में चंद्रमा पूर्व क्षितिज से नीचे हो रहने के कारण देश के कई भागों में यह दिखाई नहीं देगा। कल भगवान भुवन भास्कर ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है। कूर्म जयंती का भी आज दिन है। बुध अपनी राशि परिवर्तन कर स्वराशि के अंदर यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैशाखी पूर्णिमा को मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करने का विशेष महत्व है, इससे अपमृत्यु का नाश होता है। देखा जाए तो साल के पहले खगराज चंद्र ग्रहण का प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं होगा। हालांकि ग्रहण काल में अपने इष्ट देव का जाप और महामारी नाश हेतु हवन आदि करने से वातावरण शुद्ध होने की बात आचार्य शर्मा ने कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।